नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो भैया पहले ही बात करते हैं इम्यूनिटी। भाई हर जगह पता चल रहा है कि भाई एड्स में, टीवी में इम्यूनिटी 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 बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हो रहा है। तो बात करते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी भैया वो चीज़ होती है जिसको पाकर आप पावर होल बन जाओगे, शक्तिमान की तरह शुरू करोगे। इतना भी शक्तिमान नहीं, मतलब कि आपको बीमारी नहीं लगेगी, चांसेस कम लगेंगे, आपके अंदर पावर होगी। पावर, हाँ मतलब पावर ऐसी पावर की यार, मतलब क्या बताऊँगा, मतलब कौवा भी आपको सलूट मार के जाएगा। हाँ भाई होता है भैया ऐसा, देखो भाई हाँ होता है। तो मतलब ऐसी पावर आ जाएगी आप में कि भैया शक्तिशाली बन जाओगे आप। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं। जो तीन चीज़ें हैं वो ऐसी कोई मुश्किल तो है नहीं है कि आपको मिलेंगी नहीं, घर पे बाहर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तहकीकात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो घर पे मिलेंगी मिलेंगी आपको, इतनी बेसिक चीज़ें वो, और उनका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, मतलब कि आप पावरफुल बन जाओ यार, शक्ति शक्ति शक्तिमान होता नहीं अपने लिए। सो, जो बात करते हैं पहली चीज़, जो पहली चीज़ है हमारी वो है गार्लिक। जो गार्लिक होता है यार, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और वो आपको घर पे मिलेगा मिलेगा। वो प्याज की तरह होता है, और वो बहुत ज़्यादा उसकी फ़ायदे होते हैं। आपका जो बीपी होता है वो मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, जो आपका जो दिल होता है, दिल को पूरा मेंटेन करता है। दिल की वजह से ही बीपी वीपी होता है, सब बीमारियाँ यार, दिल की बीमारियाँ सब मेंटेन करेगा। और इसके मतलब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अब अगर आप गार्लिक लेते हैं मतलब अपने खाने के अंदर, ये बेसिक सी चीज़ें ही हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं, तो आप देखना आपकी मतलब जो आपकी इम्यूनिटी है धीरे धीरे बूस्ट होगी। आप खुद ही अपने आप को मतलब कि महसूस करेंगे यार थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है, मतलब जो आप बीमारियां जो इजीली आपको लग जाती थी वो नहीं लगती। सो अब बात करते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ है वो है हमारी टर्मरिक, हाँ हल्दी, जो भी आपको घर पर मिलेगी मिलेगी बिल्कुल यार, वो तो हर घर पे होती है। मतलब कि कोई ऐसी बात ही नहीं है कि यार बाहर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा कहीं से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किससे लेनी नहीं पड़ेगी, घर पे मिलेगी, घर वाले लाए होंगे पहले के। तो आपको क्या करना है कि भैया जो हल्दी होती है वो लेनी है। बस हल्दी के फ़ायदे क्या हैं, वो ये कि यार वो कैंसर से बचाता है आपको, दिल की बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाता है। सो काइंड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा होता है उसके फ़ायदे। आपने सुना होगा कि यार लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं जब उनको लगती है, या कुछ भी ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके यार हल्दी के, तो बहुत ज़्यादा, गिनाने बैठो तो ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके हल्दी के, तो कहीं पर लगती है तो कहते हैं ऊपर हल्दी लगाओ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हद से ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आपको डिप्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में अगर आप हल्दी का इनटेक कर रहे हो तब भी आपके बड़े फ़ायदे हैं। तो कहने मतलब हल्दी के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, बता के भी नहीं ख़त्म होंगे। तो अब तीसरी चीज़ है वो है जिंजर। जो अदरक होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देखें आपने देखा ही होगा कि यार अदरक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है चाय के फ्लेवर में, मतलब कुछ ऐसे घर पे सब्जियों में, दालों में, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप जिंजर सही मात्रा में ले रहे हैं तो यार आपकी मतलब आप खुद देखना है यार आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मतलब यार आप खुद देखना, जब किसी का गला ख़राब होता है, ज़ुकाम होता है, कुछ भी होता है, तो वो अदरक लेने के लिए एडवाइस करते हैं जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं। तो यही है रीज़न, क्योंकि एक्सपीरियंस है उनके पास, जो अदरक है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो कह रहे हैं मतलब अदरक भी यार कोई कम फ़ायदा नहीं है। ये तीनों चीज़ें हैं जो गार्लिक, टर्मरिक और जिंजर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार आपको कोई बीमारी हो और उससे आप इलाज करें, क्योंकि यार हमारा ही मुद्दा है कि यार बीमारी नहीं लगवानी और दवाइयाँ नहीं खानी, खुद ही मेंटेन रहना, खुद ही ठीक रहना। सो यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मतलब मज़ा आए आपको, ऐसे ऐसे कंटेंट मिलता रहे अच्छा अच्छा सो करें यार सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो यार ऐसा हो जाएगा आपके साथ।